मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने रसारोहण के सिद्धांतों का अध्ययन किया था, जिसमें पहला जैविक बल सिद्धांत और दूसरा मूल दाब सिद्धांत। देखो, मूल दाब सिद्धांत को प्रिस्टले ने एक प्रयोग के द्वारा समझाया था, जिसको हम मूल दाब का प्रदर्शन प्रयोग कहते हैं। और इसमें बताया था कि जो मूल होती है, क्या बताया बेटा, मूल, वो मूल दाब उत्पन्न करती है जिसके कारण रसारोहण होता है। और इसे सिद्ध करने के लिए प्रिस्टले ने मैनोमीटर तैयार किया था कि मूल दाब का मापन हम मैनोमीटर से करते हैं। तो मूल दाब का किस प्रकार से उसने मापन किया, प्रदर्शन किया था प्रिस्टले ने, तो मूल दाब का प्रदर्शन करने के लिए हम एक गमला लगा हुआ पादप लेते हैं और इसको छोटा पादप लेते हैं। इसके तने को कुछ ऊंचाई से काट दिया जाता है, केवल तना तना शेष रहे, बाकी हमने काट दिया इसके शीर्ष भाग को। काटने के पश्चात हमने जो मैनोमीटर है उसकी जल नलिका, ये जल नलिका है, ये पारा नलिका है, यहाँ से पीछे वाली जल नलिका और ये पारा नलिका जिसमें पारा भरा रहता है, तो जल नलिका को रबर ट्यूब की सहायता से इस तने के कटे हुए भाग में फिक्स कर दिया जाता है ताकि पानी बाहर नहीं निकले। इसमें फिक्स करने के पश्चात इसको स्टैंड पे लगा दिया जाता है, इधर मैनोमीटर को। आप देखो बेटा क्या होगा, 2 से 3 घंटे पश्चात हम देखते हैं, इसमें जल डाल देते हैं गमले के अंदर, तो हम क्या देखते हैं कि पादप जो जड़ें होती हैं जल का अवशोषण करती हैं और ये जल अवशोषित जल ऊपर की ओर बढ़ता है। तो ऊपर की ओर जब बढ़ने लगता है तो क्या होता है कि जो ये जल नलिका है इसके अंदर ये प्रारंभ में, यानी कह सकते हैं, खाली होती है। और इसमें जैसे ही पादप जल अवशोषित करता है तो इस जल नलिका में जल एकत्र हो जाता है, भर जाता है। और जब ज़्यादा जल अवशोषित होता रहता है तो ये पारे आगे, इसको जगह नहीं मिलती जाने के लिए, तो ये पारे वाले जो स्तंभ है, पारा ये खाली है, यहाँ तक भरा हुआ है, इस पर दाब डालती है पारा नलिका पर, जल नलिका, क्योंकि जल की मात्रा ज़्यादा हो, जिससे पारे का स्तंभ ऊपर बढ़ने लगता है और जिस पर ऊपर पैमाना लगा होता है जिससे इसका हम अंकन कर लेते हैं कि इसने कितना मूल दाब उत्पन्न किया। तो जो लगभग कितना आया था, 2 ATM आया था। कितना आया था बेटा, 2 ATM। तो इसे हम मूल दाब का प्रदर्शन प्रयोग कहते हैं। एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है मूल दाब के प्रदर्शन प्रयोग का डायग्राम, तो ध्यान रखना, मूल दाब के प्रदर्शन प्रयोग के लिए हम मैनोमीटर लेते हैं। मैनोमीटर में 2 नलिकाएं लगी हुई होती हैं, एक पारा नलिका, एक जल नलिका। जल नलिका में हम कह सकते हैं कुछ मात्रा में जल भी हो सकता है, खाली भी हो सकती है, और लेकिन इसमें पारा भरा रहता है। इसको स्टैंड पर लगा देते हैं। अब एक गमला लगा हुआ पादप लेते हैं जिसका छोटा, उसको कुछ ऊपर से तने को कुछ हाइट से काट दिया जाता है और जल नलिका को और तने को इस तरह से फिक्स कर दिया जाता है रबर से ताकि उसमें जल बाहर नहीं निकले। गमले में जल डाल दिया जाता है। 2 से 3 घंटे पश्चात हम देखते हैं कि पादप जड़ें जल को ऊपर भेजती हैं, जो जल नलिका के अंदर एकत्र होकर जाता है और आगे पारा नलिका पर दबाव डालता है, जिससे जल दाब डालेगा तो पारे का स्तंभ ऊपर जाता है और उसका अंकन हम पैमाने से कर लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं मूल दाब का प्रदर्शन प्रयोग। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सिद्धांत था भौतिक बल सिद्धांत। भौतिक बल सिद्धांत ये सर्वमान्य सिद्धांत है, ऋषि के द्वारा पादपों में रसारोहण की क्रिया होती है। यह डिक्सन और जूली नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कब दिया था, 1894 के अंदर दिया गया था, जो भौतिक बलों पर आधारित है। इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका वाष्पोत्सर्जन की है और वाष्पोत्सर्जन के कारण पादपों में वाष्पोत्सर्जन कर्षण या तनाव उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा ही पादपों में रसारोहण की क्रिया होती है। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, किस तरह से पादपों में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन होता है, तो सेम वैसे ही है। इसके मुख्य बिंदु देखो बेटा निम्न है। इस सिद्धांत के अनुसार मूल से परण तक, शीर्ष तक, जल का एक सतत या अटूट स्तंभ पाया जाता है, जिसको हम जल स्थैतिक प्रणाली कहते हैं। कि भाई जल के जल में भी सहसंजक बल होते हैं जल अणुओं में, और इसमें क्या है, मूल से शीर्ष तक जल का एक स्तंभ पाया जाता है जिसको जल स्थैतिक प्रणाली कहते हैं। DPD की मांग बढ़ने पर, जैसे ही वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है तो पत्तियों के अंदर, पत्तियों के जाइलम में DPD की मांग बढ़ती है, अर्थात जल की मांग बढ़ती है, और जिसके कारण एक खिंचाव उत्पन्न होता है और उस खिंचाव को वाष्पोत्सर्जन तनाव या कर्षण कहते हैं, जिसके कारण जल के अणु लगातार ऊपर बढ़ते हैं।
जल अणुओं के मध्य सहसंजक का मान यदि हम ज्ञात करें तो वो 45 से 207 एटीएम के आसपास आता है। और इस प्रक्रिया में जो जाइलम नलिकाएं हैं या कोशिकाएं केवल मार्ग का कार्य करती हैं, निष्क्रिय बनी रहती हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा? भौतिक बल सिद्धांत। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में एक बार और बता देंगे इनको। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।